अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनी फार्म व्लॉग। तो भाई आज संडे का दिन था और हम लोग जो है वो निकल गए हैं लॉन्ग ड्राइव पे। हमें पता नहीं था कि हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने सोचा कि निकल ही जाते हैं, कहीं ना कहीं पहुँच ही जाएंगे। तो खैर हम लोग निकल गए हैं संडे वाले दिन और हम जा रहे थे हाईवे की तरफ। हम जाते हुए ये सोच रहे थे कि यहाँ पर ऐसी क्या चीज़ है जहाँ पर हमें कुछ मिल जाए। वैसे तो आइसक्रीम खाने का मूड हो रहा था, लेकिन दूर दूर तक कोई आइसक्रीम पार्लर का नज़र हमें नहीं आ रहा था। तो हम लोग सर्च करते करते पहुंच गए हाईवे साइड पे। तो हाईवे साइड पे हमें ख्याल आया कि वहाँ पे हमारी नज़र पड़ी रहमत शीरी पे। खैर हम चलते गए और थोड़े गाने वाने चला के और वीडियो वगैरह बना के हम जा रहे थे। फिर हमें रहमत शीरी पे जाना था, क्योंकि मैंने इनका जो छोटे छोटे केक जो आजकल ट्रेंडिंग पे हैं, तो मैंने सोचा वहाँ जाके देखते हैं कि रहमत शीरी पे मिलता है या नहीं। वैसे मैंने कसरे शीरी का देखा था, लेकिन हमने सोचा कि रहमत शीरी पे जाके देखते हैं कि वहाँ पे है या नहीं। तो खैर हम वहाँ पहुँच जो है टर्न हो रहे हैं। ये हाईवे साइड पर जो है कुछ शॉप्स हैं, यानी कि एक छोटे से शॉपिंग सेंटर की तरह हैं, कि जे डॉट वगैरह है। यहाँ पे एक्सपो सिटी के नाम से है ये। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप भी है, डाइनर्स भी है और बैंक भी मौजूद है यहाँ पे, और लेबोरेटरी भी है, और इसके बराबर में जो है वो रहमत शीरी है। तो हमने सोचा कि हम रहमत शीरी को जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे हमें क्या पसंद आया और हमने क्या लिया। जब हम अंदर पहुँचे तो वहाँ पे बड़ी मज़े की मिठाइयाँ मौजूद थी, जैसे कि आप देख सकते हैं। सारी ही मुझे तो बहुत मज़े की लगी थी। यहाँ पे बास्केट्स भी रखी हुई थी और ड्राई फ्रूट केक्स मुझे बहुत पसंद आ रहे थे। इसके अलावा यहाँ पे पेस्ट्रीज़ और नॉर्मल जो केक्स होते हैं वो भी थे, लेकिन जो मैं ढूंढ रही थी वो यहाँ पे नहीं था। जो छोटे छोटे से केक आजकल चल रहे हैं ना, वो नहीं थे यहाँ पे। खैर फिर भी हमने सोचा कि यहाँ से कुछ ना कुछ तो ले लिया जाए। तो हमने यहाँ पे अपनी अपनी पसंद की जल्दी जल्दी से केक पेस्ट्रीज वगैरह उठा ली और हम लोग जो हैं वो बाहर आ गए। और अब मैं आपको ड्राइवर में बैठ के दिखाती हूँ कि हमने क्या क्या लिया, किस किस ने क्या क्या खाया। मैंने तो भाई एक केक लिया था ड्राई फ्रूट का और पेस्ट्री ली है। इन लोगों ने भी पेस्ट्रीज़ और डोनट्स लिए थे। इनकी पेस्ट्रीज़ भी बहुत मज़े की थी और डोनट की अंदर की जो फिलिंग थी वो भी बहुत मज़े की थी, जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह की थी, और ऊपर भी बहुत ज़्यादा मज़े की कोटिंग हुई हुई थी। और ये मैंने लिया है, इसको आप देख के बताएं कि इसका नाम क्या है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका नाम आखिर क्या है। लेकिन ये बहुत मज़े का था तो इसलिए मैंने इसको ले लिया था। वहीं पे मैंने उन्होंने टेस्ट करवा दिया था तो बहुत मज़े का था। और उसके अलावा मैंने ये वाला केक लिया था। और उसके बाद रास्ते में जो है हमें कैफ़े प्याला नज़र आया। हमने सोचा कि घर जाके चाय पीने से अच्छा रास्ते में ही चाय पी ली जाए। तो उनकी चाय भी बहुत लजीज थी और बिल्कुल रीज़नेबल थी, महंगी भी नहीं थी। तो हमने यहाँ पे चाय इन्जॉय की और उसके बाद जो है हम लोग घर की तरफ रवाना हो गए। मेरा व्लॉग देखते रहिए, शेयर